हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द एग्जाम्स मेड सिंपल एंड वी आर बैक अगेन विद द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर एनालिसिस फॉर 23rd of December 2020 23 दिसंबर 2020 का न्यूज़पेपर एनालिसिस देख लेते हैं। थोड़ा लेट बना पा रहा हूँ मैं बिकॉज आई वाज नॉट फ्री, आई वाज बिजी विद सम वर्क, देयरफॉर आई कुड नॉट मेक द न्यूज़ एनालिसिस इन द मॉर्निंग। एंड न्यूज़ एनालिसिस वाला पार्ट हम अच्छे से देख लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले आज के सवाल जिनके आंसर्स आपको करने हैं। पहला सवाल है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द शक्ति एक्ट। शक्ति एक्ट के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स दें, आपको बताना कौन सा सही है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है, इट हैज़ बीन प्रपोज्ड बाय आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट एज एन अमेंडमेंट टू द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्शुअल ऑफेंसेज एक्ट। सेकेंड है, इट प्रोवाइड्स स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट इंक्लूडिंग डेथ पेनाल्टी फॉर परपेट्रेटर्स ऑफ क्राइम अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन। तो इसका मैं आंसर भी आपको साथ साथ बताता जाता हूँ। देखो, जैसे अगर आप क्वेश्चन पढ़ो तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि एक तो महाराष्ट्र ने इसको प्रपोज किया है ना, महाराष्ट्र ने प्रपोज किया, दूसरा वुमेन की सेफ्टी के लिए किया है, तो पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा स्टेटमेंट ज़रूर सही है क्योंकि डेथ पेनल्टी इंक्लूड की गई है। तो टू विल बी दी आंसर, बी विल बी दी आंसर। सेकेंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड, गटका पंजाब, थंगटा मणिपुर, कलरीपयत्तू केरला। तो ये न्यूज़ आइटम तो मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ाया हुआ है, तो अगर आप देखें तो ये सारे मार्शल आर्ट है। गटका पंजाब का है बिल्कुल सही, थंगटा मणिपुर का है बिल्कुल सही, एंड कलरीपयत्तू केरला का है बिल्कुल सही। ठीक है ना, तो इसका आंसर होगा 1, 2, and 3, तीनों ही सही हैं। ऑल ऑफ द अबव विल बी द आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स दिए हैं। पहला है, ही वॉज द 9th गुरु ऑफ द सिख रिलीजन। दूसरा है, ही वॉज द कंटेम्प्रेरी ऑफ अकबर। तो दूसरा स्टेटमेंट अगर आप ध्यान से पढ़ें तो गलत ज़रूर है। क्यों? क्योंकि औरंगजेब के टाइम पे इनको बीहेडिंग कराया गया था इनका, तो औरंगजेब के कंटेम्प्रेरी थे ना कि अकबर के। सो टू विल बी रॉन्ग, पहला स्टेटमेंट ज़रूर सही है। सो ए विल बी द आंसर, 1 only। सो दीज वर द 3 क्वेश्चन, आई होप यू गॉट समथिंग टू लर्न। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स हैं। तो एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इलेक्ट्रिसिटी राइट्स ऑफ कंज्यूमर रूल्स 2020। तो इलेक्ट्रिसिटी राइट्स ऑफ कंज्यूमर रूल्स 2020 रिलीज़ कर दिए गए हैं। ठीक है ना, तो अब ये जो रूल्स ले डाउन किए गए हैं, यूनियन गवर्नमेंट ने ले डाउन किए हैं, एंड दे हैव अमेंडेड द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट ऑफ 2003। तो इन रूल्स को लाने के लिए कौन से एक्ट्स का कौन से एक्ट के अंतर्गत रूल्स प्रपोज किए गए हैं? तो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट ऑफ 2003, उसके सेक्शन 176 के तहत। ओके, ठीक है, उसके सेक्शन 176 के तहत। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि रूल्स लाने का कारण ये है कि जो डिस्ट्रीब्यूटर है, जो कंज्यूमर है, उनके राइट्स को, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना, उनके राइट्स में क्वालिटी को बढ़ाना, उनके उन्हें रिलायबल इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना, इसका बेसिकली एम था। तो क्या क्या है, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूटर के राइट्स में क्या है, ऑब्लिगेशन में क्या है? तो डिस्ट्रीब्यूटर का, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटर लाइसेंसी टू सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी ऑन रिक्वेस्ट मेड बाय द कंज्यूमर। कंज्यूमर के रिक्वेस्ट करने पे उसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना चाहिए। मतलब अगर किसी प्रमाइस का ओनर रिक्वेस्ट कर रहा है तो उसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करनी चाहिए डिस्ट्रीब्यूटर को। कंज्यूमर हैव द राइट टू हैव मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑफ सर्विस। कंज्यूमर के पास राइट्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर की ड्यूटी है, अगर आप ध्यान से देखें तो। ठीक है ना, दूसरी चीज़, रिलीज ऑफ न्यू कनेक्शन एंड मॉडिफिकेशन इन द एग्जिस्टिंग कनेक्शन। इसके लिए टाइम पीरियड फिक्स कर दिया गया है। जो मैक्सिमम टाइम पीरियड रहेगा वो 7 दिन का रहेगा मेट्रो सिटीज़ में, 15 दिन का रहेगा म्यूनिसिपल एरियाज़ में, 30 डेज़ इन रूरल एरियाज़। ठीक है ना, और इस टाइम पीरियड के भीतर नए कनेक्शन और मॉडिफिकेशन वाला जो काम है वो किया जाएगा। मीटरिंग के लिए नो कनेक्शन शैल बी गिवन विदाउट अ मीटर दैट शैल बी स्मार्ट प्रीपेमेंट मीटर और अ प्रीपेमेंट मीटर। तो कोई भी कनेक्शन बिना मीटरिंग के नहीं दिया जाएगा, एंड दैट शुड बी अ स्मार्ट प्रीपेमेंट मीटर। बिलिंग एंड पेमेंट की बात करें तो देयर शुड बी ट्रांसपेरेंसी एप्लीकेबल कंज्यूमर टैरिफ्स एंड बिल्स विद द ऑप्शन टू पे एडवांस बिल। ऑप्शन टू पे एडवांस बिल होना चाहिए, एंड ट्रांसपेरेंसी एप्लीकेबल टू कंज्यूमर टैरिफ्स एंड बिल्स। बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ उनको बिलिंग और ये सब होना चाहिए। रिलायबिलिटी ऑफ सप्लाई, जो सप्लाई है उनको रिलायबिलिटी 24/7 सारे कंज्यूमर्स को पावर अवेलेबल रहना चाहिए, चाहे वो कोई भी कैटेगरी का कंज्यूमर क्यों ना हो। ठीक है ना, अब इसमें एक प्रोस्यूमर नाम का टर्म भी आया है, जिसमें इट मींस अ पर्सन हु कंज्यूम्स इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द ग्रिड एंड कैन आल्सो इंजेक्ट इलेक्ट्रिसिटी इनटू द ग्रिड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंसी यूजिंग द सेम पॉइंट ऑफ सप्लाई। एक ऐसा वह जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम भी करता है ग्रिड से और ग्रिड में इलेक्ट्रिसिटी डाल भी सकता है फॉर डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंसी यूजिंग द सेम पॉइंट ऑफ सप्लाई, तो वो प्रोस्यूमर कहलाएगा। ठीक है ना, ये भी आप याद रखिएगा। देन इसके अंदर ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म भी डाला गया है कि जो कंज्यूमर ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म है उसको भी स्ट्रीमलाइन करने के लिए ये रूल्स के अंतर्गत बताया गया। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी रूल्स लेकर आए हैं इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 में।
के अंतर्गत सेक्शन 176 याद रखेगा। फायर फ्लाइज टू शाइन अ लाइट फॉर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। अब यहाँ पर एक सिस्टम लाया गया है फायर फ्लाई बर्ड डाइवर्टर, याद रखिएगा फायर फ्लाई बर्ड डाइवर्टर। अब ये बेसिकली ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स को हाई टेंशन लाइन से बचाने के लिए ये इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है ना। तो ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है अपना नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, तो उसने एक आदेश ये बताया था जिसमें कि इन्होंने कहा था कि जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स हैं उनकी मोर्टेलिटी का 15% रीज़न तो ये आपके हाई टेंशन लाइन्स होते हैं। जो हाई टेंशन लाइन्स होते हैं, हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन्स, ये ओवर कारण से बहुत सारे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स की जान जाती है। अप्रॉक्सिमेटली 15% जो मोर्टेलिटी है दैट इज़ बिकॉज ऑफ दिस। सो यहाँ पे क्या होगा कि फायर फ्लाई बर्ड डाइवर्टर्स लगाए जाएंगे एंड दे विल बी इंस्टॉल्ड सो दैट दे कैन बी सीन फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ अप्रॉक्सिमेटली 50 meters, कम से कम 50 meters से ये दिखने लगे एंड बर्ड्स कैन डाइवर्ट देयर डायरेक्शन इन ऑर्डर टू नॉट कोलाइड विद दीज हाई टेंशन लाइन्स और हाई पावर लाइन्स। तो इन डाइवर्टर्स को देख करके वो वहाँ से डाइवर्ट कर लेंगे एंड देन दे विल नॉट कोलाइड फ्रॉम दिस टू अवॉइड द कोलिजन फ्रॉम द पावर लाइन। स्मॉलर बर्ड्स तो बहुत जल्दी चेंज कर लेती लेकिन बड़े बर्ड्स को थोड़ा प्रॉब्लम होती, इस कारण से इन डाइवर्टर्स की मदद से दे विल गेट अ फेयर अमाउंट ऑफ डिस्टेंस जिसके थ्रू वो डाइवर्ट कर लेंगी। अब अगर आपके दिमाग में आ रहा है कि इनको फायर फ्लाइज ही क्यों कहा जाता है, तो डाइवर्टर्स आर कॉल्ड फायर फ्लाइज बिकॉज दे लुक लाइक अ फायर फ्लाई, दे लुक लाइक अ फायर फ्लाइज फ्रॉम अ डिस्टेंस शाइनिंग ऑन पावर लाइन्स इन द नाइट। तो जैसे फायर फ्लाइज होते हैं जुगनू जैसे चमकते हैं, जुगनू, तो जुगनू जैसे ही ये बेसिकली चमकती रहती है लाइन्स में, इस कारण से इनको फायर फ्लाइज कहा जाता था कि दे कैन बी स्पॉटेड फ्रॉम अ डिस्टेंस एंड बर्ड्स अपना डायरेक्शन चेंज कर सकें। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स हैं जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो यू कैन मूव विद मी, देख लीजिएगा। एडिटोरियल्स वैसे इंपॉर्टेंट भी नहीं लगे मुझे, लेकिन अगर आपको पढ़ना है तो आप पढ़ लीजिएगा। ओके, मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी लेट हो गया काफ़ी ज़्यादा, अभी मैं जस्ट आया ही था। सो आई थॉट कि पहली चीज़ ये किया जाए कि आपका न्यूज़ एनालिसिस थोड़ा सा एटलीस्ट जो हम डिस्कस कर सकें इंपॉर्टेंट। वेस्टर्न घाट्स होम टू 3,387 लेपर्ड्स। तो स्टेट ऑफ लेपर्ड्स इन इंडिया नाम की एक रिपोर्ट आई है, ओके, यूनियन मिनिस्ट्री ने निकाली है स्टेट ऑफ लेपर्ड्स इन इंडिया। तो स्टेट ऑफ लेपर्ड्स इन इंडिया में एस्टिमेटेड जो पॉपुलेशन लेपर्ड्स की आई वो 12,852 आई है। तो अगर आपसे यूपीएससी स्टेटमेंट दे दें कि द नंबर ऑफ लेपर्ड्स आर लेस देन 2-3,000 इन इंडिया या लेस देन 4,000 इन इंडिया, तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा क्योंकि जो टोटल पॉपुलेशन आई वो 12,852 आई है एंड अकेले वेस्टर्न घाट्स में ही 3,387 लेपर्ड्स की संख्या दिखाई जा रही है। सो दैट इज अनदर थिंग विच इज इंपॉर्टेंट, इसको आप याद रखिएगा। द लेपर्ड पॉपुलेशन वॉज काउंटेड ड्यूरिंग द टाइगर पॉपुलेशन असेसमेंट अंडरटेकन इन 2018। 2018 में जो टाइगर पॉपुलेशन असेसमेंट हुआ था उसी समय ये लेपर्ड पॉपुलेशन असेसमेंट भी किया गया था एंड उसी के साथ ये दौरान बेसिकली कहना चाहिए कि पॉपुलेशन का एनालिसिस किया गया, ठीक है। सो दैट इज़ द थिंग, नंबर्स थोड़ा याद रखो, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नंबर्स है। क्यों इंपॉर्टेंट है नंबर्स? क्योंकि यूपीएससी प्रीलिम्स में इस तरह से क्वेश्चन जैसे मैंने आपके ऑप्शन बताया वैसा पूछ सकता है, ठीक है ना। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पॉलिटिक्स कैन वेट बट नॉट डेवलपमेंट, यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा। बेसिकली ही वॉज रिलीजिंग अ पोस्टल स्टैम्प फॉर सेंटिनरी सेलिब्रेशन ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के सेंटिनरी सेलिब्रेशन के लिए बेसिकली ये एक फंक्शन में थे प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तारीफ करते उन्होंने कहा कि दिस वॉज द यूनिवर्सिटी दैट दिस वॉज द फर्स्ट चांसलर ऑफ AMU वॉज अ वुमेन। जो फर्स्ट चांसलर था AMU का दैट वॉज अ वुमेन। सो दिस इज अ University that has always upholded the women right as well and it is one of the great institutions where women rights have been strengthened and empowered, है ना। And the ratio of women students in the university has risen up to 33-35%। तो women जो ratio है इस university का वो 35% से, that is another good number। तो कहना चाहिए कि women को empower करने के लिए काफ़ी अच्छा एक काम किया गया एंड यूनिवर्सिटी हैज़ कम्प्लीटेड इट्स 100 years, सो दैट इज़ अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर दैट। तो आगे मूव करते हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी अवार्डेड लीजन ऑफ मेरिट बाय डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप ने जो क्वाड ग्रुप है उनके तीनों लोगों को लीजन ऑफ मेरिट प्रोवाइड किया है, ये ऑनर है। लीजन ऑफ मेरिट बेसिकली 1942 में US प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट द्वारा अवार्ड किया गया था टू द मेंबर्स ऑफ US आर्म्ड फोर्सेज एंड ऑल्सो द मेंबर्स ऑफ फॉरन दैट इज नॉन US आर्म्ड फोर्सेज एंड समटाइम्स हेड्स ऑफ द स्टेट एंड गवर्नमेंट। तो 1942 में स्टार्ट हुआ था ये सबसे पहली बार फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट द्वारा
लीजन ऑफ मेरिट नाम का अवार्ड है, लीजन ऑफ मेरिट, और 1942 में दिया गया था रूजवेल्ट द्वारा। अब यहाँ पर एक चीज़ इंपॉर्टेंट याद रखिएगा दैट कि अभी जो ये दिया गया है ये किसको किसको दिया गया है, इट हैज बीन अवार्डेड टू शिंजो अबे एंड ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन एंड देन आपके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ऑब्वियसली बात है क्वाड ग्रुप में चार कंट्रीज हैं, US, जापान और आपका इंडिया एंड आपका लास्ट कौन सा है ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया के स्कॉट मॉरिसन को, जापान के शिंजो अबे को, इंडिया की तरफ से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को लेजर ऑफ मेरिट का अवार्ड दिया गया। अब डोनाल्ड ट्रंप खुद को तो नहीं दे सकता था लेजर ऑफ मेरिट, इसलिए नहीं दिया खुद को। हेल्थ डेटा शोज दैट इंडिया डज नॉट नीड अ टू चाइल्ड पॉलिसी। अब हेल्थ का डेटा जो NFHS बोलते हैं हम, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो है 5th एडिशन आ गया, उसका ये कहना है कि इंडिया के बहुत सारे मैक्सिमम जो स्टेट्स हैं वो ऑलरेडी जो फर्टिलिटी रेट है वो 2.1 पहुंच चुका है। अब ये 2.1 नंबर क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता देता हूँ उसका रीज़न, कि जो सारे डेवलप्ड कंट्रीज ने मिल करके बैठ करके एक बैठक में ये डिसाइड किया है कि 2.1 इज़ द आइडियल रिप्लेसमेंट रेट। इसको बोलते हैं टोटल फर्टिलिटी रिप्लेसमेंट रेट, मतलब रिप्लेसमेंट रेट फर्टिलिटी बोलते हैं। देखो फर्टिलिटी रेट क्या होता है कि मतलब एक विमेन अपने जो उसका फर्टिलिटी पीरियड है उसमें टोटल कितने बच्चों को जन्म देती है, ठीक है ना, तो वो उसका फर्टिलिटी रेट आता है। रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट क्या होता है, मतलब एक ऐसा रेट जिसमें इतने ही बच्चे एग्जैक्टली पैदा हों जो कि करंट जनरेशन को इक्वली सब्स्टिट्यूट कर सके। मतलब अगर सपोज आज की जनरेशन में 50 लोग हैं तो एग्जैक्टली नेक्स्ट जनरेशन में 50 लोग अगर रहेंगे तो जितने बच्चों के लिए फर्टिलिटी रेट चाहिए वो आपका रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट कहलाता है। रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट जो आइडियल माना गया है वो 2.1 माना गया है, ठीक है ना। अब बहुत सारे स्टेट्स इंडिया के जो हैं वो 2.1 के रेट पर आ चुके हैं। इस कारण से जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का कहना है कि फालतू में इम्पीटस अब ये नहीं होना चाहिए कि बच्चे कम करो और टू चाइल्ड पॉलिसी कर लो। ऑलरेडी इंडिया में जो स्टेबलाइज की स्टेट पे पॉपुलेशन पहुंच चुकी है, अगर आप कोई चीज़ पढ़ सकते हो तो मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ, एक डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी नाम की चीज़ होती है। वैसे तो ज्योग्राफी ऑप्शनल वाले पढ़ते हैं पर अगर आप डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी पढ़ेंगे तो उसमें चार स्टेजेस होते हैं। तो पहला होता है उसमें प्रिमिटिव स्टेज, देन उसमें होता है अर्ली एक्सपेंडिंग, देन होता है लेट एक्सपेंडिंग और चौथा होता है आपका स्टेबलाइजिंग स्टेज। तो ये चौथे स्टेज में स्टेबलाइजिंग होते हैं। वैसे इंडिया भी तीसरे स्टेज पे माना जाता है लेकिन इंडिया की जो पॉपुलेशन है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अकॉर्डिंग जो है वो स्टेबलाइज स्टेज में जा रही है। इंडिया को वैसे ऐसा जो इंडिया की अगर आप पॉपुलेशन पॉलिसी देखेंगे तो 2045 ईयर को वो लेते हैं कि वो स्टेबलाइज होना शुरू होंगे, लेकिन इसके पहले भी हो सकते हैं, सो दैट इज़ अ गुड थिंग। ये देखो यहाँ लिखा हुआ है रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी ऑलरेडी बहुत सारे स्टेट्स में आ गई, 2.1 का नंबर ऑलरेडी अचीव कर लिया है ना, तो इस कारण से ये चीज़ न्यूज़ में थी। आई होप यू विल रिमेंबर दिस थिंग। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स हैं यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे तो से कोई खास न्यूज़ नहीं दिख रही है। WHO ने एक नई वायरस इस वेरिएंट के लिए मीटिंग इस्टेब्लिश की, तो ब्रिटेन में एक नया वायरस का वेरिएंट देखने के लिए, म्यूटेंट वायरस कोविड का देखने को मिल रहा है और उसके काफ़ी सारे केसेस भी आ रहे हैं, तो लेट्स सी कि ऐसा बिल्कुल ना हो, है ना। अब आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स हैं। अब यहाँ पे गवर्नमेंट ने EOI को इनवाइट किया है टू डाइवेस्ट फुल स्टेक्स इन शिपिंग कॉरपोरेशन। तो शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जो है SCIL बोलते हैं इसको, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसमें गवर्नमेंट जो है 63.75 जो इसका शेयर होल्डिंग है 63.75% वो पूरा का पूरा बेचने के लिए उसने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट मंगाया है, मतलब कि कौन कौन इंटरेस्टेड है इसको खरीदने के लिए। 63.75% की शेयर होल्डिंग है शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, एंड बिडर्स जो हैं बिड कर सकते हैं और इसके शेयर को खरीद सकते हैं। SCIL जो है बेसिकली शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, वो इनकॉर्पोरेट किया गया था 1961 में एंड ओन्स अ फ्लीट ऑफ 59 वेसल्स इंक्लूडिंग 2 काउंटर कंटेनर वेसल्स, 13 क्रूड ऑयल टैंकर्स एंड 8 ऑफशोर सप्लाई व्हीकल्स। इट हैज़ बीन अ प्रॉफिटेबल कमर्शियल वेंचर एंड काफ़ी प्रॉफिट में भी रहती है ये। तो शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के 63.75% स्टेक्स को सेल करने के लिए बेसिकली गवर्नमेंट ने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट मंगाया है, तो लेट्स सी दैट। सो न्यूज़ आइटम्स में ये कुछ न्यूज़ आइटम्स थे फ्रेंड जो आज के न्यूज़पेपर में आए थे। आई होप यू विल रिमेंबर दिस न्यूज़ आइटम्स। एक और न्यूज़ है, चाइना स्लैम्स US ओवर तिब्बत बिल साउथ चाइना सी ट्रेसपास। अब यहाँ पे चाइना ने US को गाली गलौज किया है। क्यों गाली गलौज किया है बेसिकली, क्योंकि US ने एक बिल पास किया जिसको हम बोलते हैं TPSA बिल, ठीक है। USA ने जो बिल पास किया उसका नाम है TPSA जिसको बोलते हैं तिब्बतन पॉलिसी एंड सपोर्ट एक्ट,
तिब्बतन पॉलिसी एंड सपोर्ट एक्ट जो है एक लैंडमार्क लेजिस्लेशन है जिसमें यूएस ये कह रहा है कि तिब्बत ल्हासा का जो पार्ट है वहाँ पर एक कॉन्सुलेट खोली जाएगी, यूएस कॉन्सुलेट, एंड उसने बैकिंग भी दी है दलाई लामा के लिए, ठीक है ना। अब आप सबको पता है कि चाइना कितना ज़्यादा खुश नहीं रहता है दलाई लामा से, और इंडिया ने भी दलाई लामा को जब स्टे दिया था 1959 में, उसके बाद इंडिया पे अटैक भी किया गया था। तो ये चीज़ है कि TPSA याद रखिएगा, तिब्बतन पॉलिसी एंड सपोर्ट एक्ट, USA ने एक्ट पास किया है ये लेजिस्लेशन जिसमें कि वो एक तो US कॉन्सुलेट खोलने की बात कहते हैं ल्हासा में, एंड दूसरी चीज़ दलाई लामा को सपोर्ट देने की बात कहते हैं। तो यहाँ पर चाइना बेसिकली ये कहता है कि क्यों भैया आप कह रहे हैं ट्रस्ट पासिंग है, एंड ये जो लेजिस्लेशन है एक तरीके से ट्रेसपास कर रहा है, चाइना की सॉवरेंटी को ट्रेसपास कर रहा है, तो ऐसा उन्होंने कहा है। तो TPSA याद रखिएगा। सो दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स, आई होप यू इंजॉयड आर न्यूज एनालिसिस। वैसे काफी लेट है लेकिन ठीक है, मैंने आपको न्यूज बता दी। दैट इज इट फॉर द डे, थैंक यू, हैव अ नाइस।